Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nissan Altima 2013 model का गाड़ी है. इसका कंप्रेसर ऐसे की टंडा नहीं हो रहा है. अभी देखेगा कि इसका क्या मसला है. हम कंप्रेसर चेक किया. इसको ये कंप्रेसर, इसको ये नीचे कंप्रेसर है. चार सिलेंडर का गाड़ी है. कंप्रेसर खुलने का इतना तकलीफ नहीं है. और नीचे से इधर से और टायर का नीचे से जो नीचे से उधर 19 नंबर वाला स्पैनर लगाएगा, ये स्पैनर लगाएगा, ये बैल उतर जाएगा, यह सनमना का स्पैनर हॉल्ड करेगा. इससे आसानी से इसको बैल उतर जाता है. यह 19 नंबर है, नीचे से यह लगाएगा. इतना तकलीफ नहीं आता. दूसरा स्पैनर से बहुत तकलीफ आता है. और यह कंप्रेसर हम लोग अभी बदली करेगा. कंप्रेसर का प्रेशर तकरीबन 50 का ऊपर है, 50 का ऊपर है. यह सही ठंडा नहीं करता है. जब चलता है थोड़ा सा ठंडा करता है, लेकिन जब हार करेगा इसको सही ठंडा नहीं आता है. इसलिए अभी हम इसको कंप्रेसर का प्रेशर कम किया. दूसरा प्रेशर इसे कंप्रेसर इसको चेंज करेगा. चेस करने के बाद गैस डालेगा. गैस डालने के बाद देखेगा इसको कितना ठंडा आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो चलो अभी हम कंप्रेसर खोलेगा. कंप्रेसर खोल के दूसरा कंप्रेसर लगाएगा. ये कंप्रेसर इधर है, ये इधर है कंप्रेसर. ये जगह से ये पाइप खुलेगा. ये पाइप खुल देगा, कंप्रेसर इधर से निकल जाएगा. और दूसरा कोई चीज़ डायनेमो और मिनीफोल्ड का कवर मोबर कोई खुलने का जरूरत नहीं है. ये इधर से निकल जाएगा. निकलने के बाद दूसरा कंप्रेसर डालेगा. अभी हम यह रहा, इसको कंप्रेसर हम खोल दिया. अभी यह कंप्रेसर खोल दिया. ये इसका कंप्रेसर है. इसको अल्टिमा 2013 मॉडल का कंप्रेसर है. तो ये दो फिश का वायर है. ये तो टू वायर का कनेक्टर है, ये कोयल का. अभी इसको प्रेशर अच्छा नहीं है. बाकी सब कुछ सही है, लेकिन प्रेशर अच्छा नहीं है. ये 2013 मॉडल कंप्रेसर है. अब हम दूसरा कंप्रेसर इसमें लगाया. दूसरा कंप्रेसर है ये. अब ये खलास है, हमारा काम खलास है. दूसरा कंप्रेसर भी लगा दिया. ये दूसरा कंप्रेसर लगाइए इसको. देखो ये दूसरा कंप्रेसर लगाया. वो हमारा दूसरा कंप्रेसर है. ये लगा दिया, बेल भी लगा दिया. और पाइप में भी सब कुछ सही किया. और पानी भी चेक किया. पानी भी सही है, पानी भी डाला. अभी इसका हवा दिया. हवा देगा लेकिन है नहीं, ये चेक करेगा. चेक करने के बाद अभी क्या करेगा, अभी पूरा प्रोसेस खलास है. अभी इसको हवा निकलेगा. अभी हवा निकल रहा है. हवा देखो ये कितना आ गया. अभी ये 10-20-30-25 तक इसको बैगम किया. अभी इसको पूरा बर्न किया. बर्न करने के बाद अभी गैस डालेगा. अभी इसको गैस डालेगा. वह गैस लगाओ, है ना, गैस लगाओ. अभी गैस डालेगा. और ये हम लोग का ये वाइट का जरिए से गैस डालता है. ये वाइट जो वाइट मशीन है, वाइट का जरिए से गैस डालेगा. बिल्कुल अच्छा गैस निकलता है, क्योंकि ये गाड़ी का इसको कोई गैलास नहीं है. इधर जो पुराना वाला गाड़ी का हर गाड़ी में एक इधर ये पाइप में गर्मा वाला पाइप में एक गैलास होता है. भाई इधर भी एक गैलास होता है. वो गैलास से हम लोग देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते. इसलिए हम लोग ये वाइट का जरिए से गैस डालेगा. इसमें हम लोग को परफेक्ट मिल जाता है इसको कितना गैस मानता है नहीं मानता है. ये गाड़ी का 500 ग्राम गैस मानता है, 500 ग्राम. ये देखो ये स्टिकर इधर लगा हुआ है. यह लगा हुआ है. ये देखो इधर 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 आपको नज़र आएगा. स्टिकर में आपको पूरा तरह से नज़र आएगा. ये 525 ग्राम, ये 525 केजी अर्थात 525 ग्राम गैस इसको मानते हैं. 1.6 LBS हिसाब अगर इसको मालूम नहीं है, 525 ग्राम तो मालूम है. ये वर्ड लगा के हम लोग 525 ग्राम गैस इसमें डाल देगा. इंशाल्लाह ठंडा बराबर हो जाएगा. अभी हम लोग स्टार्ट किया. ये गाड़ी ये हमारा टंकी में कितना गैस है नहीं है इसमें हम अभी लगा दिया. अभी गैस जा रहा है थोड़ा तो ज़्यादा ना, सही जो ना, गैस जा रहा है. देखो अभी 840 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया. इस तरह से गैस जा रहा है. 525 ग्राम ये पहला जितना गैस था इसमें 525 ग्राम माइनस हो जाएगा. हमारा काम फुल हो जाएगा, हम बंद करेगा. बस इसमें अगर देखा हम कंप्रेसर का अब प्रेशर कितना अच्छा है नहीं है. घर चाल करो. चलो अभी गैस दिया तकरीबन हम 200 ग्राम तक गैस दिया. अभी गाड़ी चालू करेगा, कंप्रेसर भी चालू करेगा, देखेगा प्रेशर इसको कैसा नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है. पहला 50 का ऊपर प्रेशर था. अभी गाड़ी चालू किया. अभी इंशाल्लाह ऐसे चालू करेगा. इंशाल्लाह अभी ऐसे चालू किया. ये देखो ये इंशाल्लाह 30 का नीचे आ गया. बिल्कुल 30-40 का नीचे आ गया. इसको मतलब यह 30-40 का बीच में जो है इसका प्रेशर बिल्कुल अच्छा है. अभी हम बाकी और भी जो गैस है वो डाल देगा, तहेगा आराम से क्या ठंडा आ रहा है नहीं आ रहा है.
डालो गैस डालो और भी डालो पूरा करो। ये देखो अभी गैस जा रहा है, अभी जाएगा 500 ग्राम, फुल 500 ग्राम दे, 500 ग्राम देगा इसमें चलता है। 525 ग्राम है, 25 ग्राम तरह कमते रहेगा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल फुल एकदम बिल्कुल फुल हो जाएगा, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा मुश्किल है, इसलिए 5-10 ग्राम कमते रहेगा कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह देगा अभी अभी जा रहा है, इंशाल्लाह 500 ग्राम हमारा उधर माइनस हो जाएगा, तो हम ये सोचेगा उधर गैस फुल हो जाए, फुल हो गया। और कंप्रेसर का प्रेशर भी अभी तक अच्छा है, अभी भी अच्छा है कंप्रेसर प्रेशर। अभी गैस बंद करेगा, ये बंद करेगा 40 का नीचे आ जाता है, इसके मतलब ये अच्छे ठंडा करेगा। अभी खुला थोड़ा गैस जा रहा है, देखो खुदरी अभी हमारा गैस फुल हो गया। अभी अभी 550 गैस इसमें है, पहला 13 kg 50 ग्राम था, अभी तकरीबन 500 ग्राम गैस इसमें चला गया। इस तरीके से हम लोग हिसाब करता है। अभी देखो इधर 30 और 40 का बीच में कम बचा, का प्रेशर भी अच्छा है, अभी गैस भी फुल हो गया और ठंडा भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अभी ये देखो ये पानी आ रहा है, अभी देखो कितना अच्छा ठंडा है, इंशाल्लाह माशाल्लाह अभी पूरा पानी आ गया, अभी फर्स्ट क्लास ऐसे ठंडा कर रहा है। इस तरीके से गैस डालेगा आपको कोई टेंशन रहेगा और ठंडा भी अच्छा निकलेगा। ये काम करने का एसी का काम करने का अच्छा वाला तरीका है। और ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा का आपको कोई इसका फ़ायदा मिला तो यह वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करो और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। जैसा हमारा अगले वाला और भी वीडियो है और बहुत सारे कार्यक्रम तोलम खोला है, गैस भी डाला है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।